आगरा में 56वां सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता 28 मार्च से 1 मार्च के मध्य कर्नेल सिंह स्टेडियम एवं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश खो खो टीम की चयन प्रक्रिया का आयोजन दिनांक 21 मार्च प्रातः 8:30 बजे से सेंट सी एफ एंड्रयूज स्कूल आगरा के क्रीड़ा प्रांगण में किया जाएगा। 56वां सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता जो कि 28 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य कर्नेल सिंह स्टेडियम एवं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश खो खो टीम की चयन प्रक्रिया का आयोजन 21 मार्च गुरुवार से सेंट सी एफ एंड्रयूज स्कूल पीली पोखर हाथरस रोड आगरा के क्रीड़ा प्रांगण पर किया जाएगा। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर गिरधर शर्मा ने बताया कि चयन प्रक्रिया में प्रदेश के सभी 18 मंडलों से लगभग 300 पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों का भाग लेने का अनुमान है, जिसमें 15 पुरुष एवं 15 महिला खिलाड़ियों प्रदेशीय टीम में चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल बॉडी है जो कि खो खो गेम को लेकर के रन करती है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में। उसी नेशनल जो सर ने बताया, जैसा कि 56 नेशनल हो रहा है मैन एंड वुमेन्स का 28 से लेकर के और आपका 1 अप्रैल तक, तो इसमें यूपी की टीम का सिलेक्शन ट्रायल है और उस ट्रायल को लेकर के खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है पर्टिकुलर, तो उसमें 4 जो है चयनकर्ता, 2 लोग दिल्ली से और 2 लोग यूपी की बॉडी से आ रहे हैं यहाँ पर अपने आगरा में, और जो भी प्रदेश से लगभग 300 बच्चों के अनुमान है आने की, और उसमें से 15 बच्चों का पुरुष और 15 महिला वर्ग में चयन किया जाएगा और वही टीम आपका प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेगी। 56वां सीनियर महिला एवं पुरुष खो खो प्रतियोगिताएं दिल्ली में 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आयोजित होनी है और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे प्रदेश की टीम तैयार हो। तो प्रदेश की टीम के बालक वर्ग और बालिका वर्ग के चयन के लिए सेंट सी एफ एंड्रयूज स्कूल को ऑथराइज किया गया है नेशनल बॉडी की ओर से, और आगामी 21 मार्च को सुबह 8:30 बजे से इसके ट्रायल शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी मीडिया बंधु हैं उनका हार्दिक स्वागत है और आप लोगों से गुजारिश है कि इसको इस तरह से प्रसारित करें, प्रचारित करें ताकि हर खिलाड़ी तक ये सूचना पहुँच जाए और कोई भी बच्चा जो इसका प्रतिभागी हो सकता है, चुना जा सकता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो इस चयन की प्रक्रिया से वंचित ना रह जाए। कार्यक्रम आयोजक पवन सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 4 चयनकर्ताओं को यह उत्तरदायित्व दिया गया है। उनके दिशा निर्देशन में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मुन्यूज के लिए तारा चंद की रिपोर्ट।